नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा वार्ड 9 के अंतर्गत रहने वाले धर्मेंद्र पिता कोमल सिंह पटेल की 9 वर्षीय बालिका अपने ही पड़ोस में खेलते खेलते गायब हो गई। जानकारी के अनुसार बालिका के माता पिता वैक्सीन सेंटर पर टीका लगवाने के लिए गए हुए थे। इसी बीच उक्त पड़ोस के अन्य बच्चों के साथ खेलने चली गई, लेकिन घर नहीं लौटी। परिजनों ने पड़ोस में पता किया, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं लगा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल प्रारंभ कर दी, तो दूसरे दिन पड़ोसी के मकान में भूसे के ढेर में बालिका का शव मिला। मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंच गई और पुलिस मामले में जुट गई। जो 9 साल की बच्ची मिसिंग हुई थी, उसके साथ क्या कुछ हुआ, क्या जानकारी आप बता सकते हैं? तलाश करते रहे, जो उसके पड़ोस में जो घर था उसमें एक भूसे का ढेर था, एक कमरे उसके भूसे को ढेर को जब पूरा हटाया गया, उसमें बच्ची की अमृत अवस्था में वो मिली और इसमें जो का मकान था जिस लड़के के ऊपर संदेह है उसको हम लोग तलाश कर रहे हैं। अभी हमारी कम से कम 6 से 10 टीमें अब अलग अलग जगह पे इसकी सर्चिंग कर रही हैं और जल्दी ही हम उस लड़के को अपनी हिरासत में लेंगे। पूछताछ करेंगे। वार्ड वासियों का कहना है कि लगातार नशेड़ी लोग मोहल्ले में घूमते रहते हैं, तो नशे पे आपके माध्यम से तेंदुखेड़ा में आगे लगाम लगेगी कि ऐसा ही कुछ चलता रहेगा? देखिए, अभी यहाँ पे वार्ड में कई लोगों ने ऐसी शिकायतें बताई थी। मैं अपना नंबर 70 49 10 0 449, ये मेरा नंबर है। सभी वार्ड वासियों को ये निवेदन है कि इस नंबर पे आप कभी भी कॉल करें, व्हाट्सएप भी मेरा इसी पे है, व्हाट्सएप कर जो भी इस तरीके की सूचना है सीधे मुझे दे सकते हैं और इसमें हम जो है लीगल कार्रवाई करेंगे। तेंदुखेड़ा थाने में सर पूर्व में भी 2 हत्याएं हुई हैं, 4-5 आत्महत्याएं भी संदिग्ध हालत में हुई हैं, उन पर कोई भी प्रकार की कार्रवाई, मतलब लोग संतुष्ट नहीं उन कार्रवाइयों से, क्या कुछ कहना है? देखिए यार, तेंदुखेड़ा में अभी आपसे चर्चा में नाम बताया है आपने, जो केसेज यहाँ पे हैं वो अभी हम लोग के अंदर इन्वेस्टिगेशन है वो दोनों केसेज, और उसमें भी हम जो है स्पेशल टीम गठित करके प्रयास करेंगे उनका भी जल्दी से जल्दी खुलासा करेंगे।